हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में। दोस्तों, माय नेम इज सुजीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। और दोस्तों, आज हम क्या बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे लियोनेल मेसी बैक द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। दोस्तों, यानी कि एक बार फिर से मेसी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दोस्तों मिल गया, और ये दूसरी बार है जब मेसी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दोस्तों मिला है। आप बोलेंगे, सर दूसरी बार कैसे? जी हाँ, इसके पीछे बड़ी एक लड़ाई है दोस्तों, एक बड़ी कहानी है जो आपको हम समझाएंगे। हम ये भी बताएंगे दूसरी बार क्यों, हमने इतनी बार सुना है लेकिन दूसरी बार क्यों दोस्तों। तो फिलहाल हमारा मुद्दा क्या है, मेसी बैक द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दोस्तों, ठीक है? आइए दोस्तों देखते हैं क्या इसमें इंफॉर्मेशन और आपको हम देंगे। देखिए दोस्तों, द कैप्टन ऑफ द अर्जेंटीना फुटबॉल टीम लियोनेल मेसी रिसेंटली वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दोस्तों। यानी कहने का मतलब, जो मेसी हैं ये अर्जेंटीना फुटबॉल टीम कैप्टन भी हैं, और इनको इस बार का 2022 का बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दोस्तों मिला है, ठीक है? अब आप देखिए, करेंटली ही बिलोंग्स टू द पेरिस सेंट जर्मेन क्लब दोस्तों। यानी अभी जो इनका क्लब है वो क्लब कौन सा है दोस्तों? टीम तो ये हो गई, देश की बात करें अर्जेंटीना, और जो इनका फुटबॉल क्लब है दोस्तों उसका नाम है पेरिस सेंट जर्मेन क्लब दोस्तों, ठीक है? द अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाई फीफा ऑफकोर्स। भाई नाम समझ रहा है, बेस्ट फीफा मेंस अवार्ड कौन देगा? फीफा देगी दोस्तों, ठीक है? ये तीन पॉइंट हमारे सामने है, समझ लीजिए। हालांकि इसमें कोई समझने है नहीं, ठीक है? तो फीफा की मेसी की कौन सा देश है, हैं? कौन से क्लब के लिए खेलते हैं, और ये अवार्ड कौन देता है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द अवार्ड। अब यहाँ पर जो हम लोग बेस्ट फीफा की बात कर रहे हैं, इसका इतिहास क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ताकि हमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मिले दोस्तों। देखिए दोस्तों, अर्लियर इट वॉज कॉल्ड द फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर दोस्तों। यानी ये जो अवार्ड मिला है, जो आप देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों, कौन सा? बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दोस्तों। इसको पहले हम क्या बोलते थे? इसको हम पहले बोलते थे फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, ये अवार्ड चलता रहा। फिर आया 2010 दोस्तों, और 2010 में क्या हुआ दोस्तों, इट वॉज कंबाइंड विद द बैलन डी'ओर दोस्तों। मेरे ख्याल से अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि आज भी फ्रांस गवर्नमेंट का अपना एक अवार्ड है बैलन डी'ओर, ठीक दोस्तों? आज के टाइम पर फीफा बेस्ट अवार्ड जो है और बैलन डी'ओर वो सेपरेट हो चुका है, लेकिन 2010 दोस्तों ये दोनों अवार्ड साथ में दिए जाने लगे, फ्रॉम द 2010 दोस्तों, दो लिखा भी है। लेटर इन 10 इट वॉज कंबाइंड विद द बैलन डी'ओर, एंड टुगेदर इट वॉज कॉल्ड द फीफा बैलन डी'ओर अवार्ड दोस्तों। यानी कहने का मतलब, 2010 में फीफा का जो ये अवार्ड था और बैलन डी'ओर, ये आपस में क्लब हो गए, मिक्स हो गए, और इस अवार्ड का नाम चेंज हो गया दोस्तों फिर से एक बार, और क्या हो गया? फीफा बैलन डी'ओर अवार्ड दोस्तों। यानी पहले क्या नाम था उसका? फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। फिर नाम क्या हो गया? फीफा बैलन डी'ओर दोस्तों अवार्ड। और आपको जान के हैरानी होगी, फ्रांस सरकार से फीफा को 13 मिलियन पाउंड मिले थे टू ऐड द टैग ऑफ द बैलन डी'ओर। यानी फीफा ने बोला कि ठीक है, हम अपने अवार्ड के साथ आपका नाम टैग कर लेंगे, लेकिन हमें 13 मिलियन पाउंड चाहिए, जो दिया फ्रांस सरकार ने, ठीक है दोस्तों? तो मतलब 2010 से लेकर 2015 तक ये जो अवार्ड था इसका नाम था फीफा बैलन डी'ओर अवार्ड दोस्तों, ठीक है? देखिए, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड इन दिस नेम फॉर द 5 ईयर्स टिल द ईयर 2015 दोस्तों, ठीक है? तो कहने का मतलब, ये जो नाम है ये 5 साल चला, कब तक? 2015 दोस्तों। और इन 5ों साल, ये 6 लिखा है, इन 5ों साल लियोनेल मेसी जो है हु वॉन द अवार्ड दोस्तों, इन्होंने जीता ये अवार्ड, ठीक है? उसके बाद क्या हो दोस्तों, लेटर इन 2016 दोस्तों, द बैलन डी'ओर टैग वॉज गिवन अप एंड वनली द फीफा टैग वॉज अटैच। 2016 में दोस्तों फीफा ने निर्णय लिया, बैलन डी'ओर को हटा दिया दोस्तों। क्यों हटा दिया? फुटबॉल क्षेत्र में इंग्लैंड और फ्रांस, इनके बीच में बड़ी राइवलरी है दोस्तों। तो जो इंग्लैंड के पत्रकार थे या जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थे, वो हमेशा फीफा का विरोध करते थे कि वाई बैलन डी'ओर। तो इंग्लैंड के मतलब यहाँ पे प्रेशर की वजह से फीफा ने कदम उठाया, और फीफा ने बैलन डी'ओर को रिमूव कर दिया टैग को, और अब ये केवल अवार्ड फीफा के नाम का दोस्तों रह गया। तो 2016 से दोस्तों नाम चेंज हुआ, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो आप ये देख रहे हो ना, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, बेस्ट वर्ड, तो ये जो नाम आया है वो 2016 से आया, और 2016 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहली बार ये खिताब जीता दोस्तों। तो 16 में जब पहली बार ये अवार्ड नाम चेंज हुआ और ये नाम हो गया, तो पुर्तगाल के कैप्टन, हालांकि अभी तो मतलब फिलहाल
रोनाल्डो की बात करें तो अभी तो फिलहाल उनके सितारे गर्दिश में हैं। तो पहली बार इन्होंने ये अवार्ड जीता था 2016 में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखें, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे लेटर इन 16 द बैलन डी ओर टैग वॉज गिवन अप एंड वनली द फीफा टैग वॉज अटैच दोस्तों, ठीक है। अब देखें तो 2016 से किसने किसने ये अवार्ड जीता है उसकी लिस्ट हमारे सामने दोस्तों दो, अगर ध्यान से देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लगातार दो बार 2016 में और 17 में ये खिताब जीता। उसके बाद दोस्तों कौन आए बीच में, लुका मॉड्रिक ये आए, इन्होंने 18 में खिताब जीता दोस्तों, ठीक। उसके बाद मेसी ने 2019 में ये खिताब जीता, ठीक। उसके बाद 2020 और 2021 है रॉबर्ट लेवेंडस्की, लेवेंडस्की हैं, इन्होंने खिताब जीता। और फिर 22 का फिर से एक बार मेसी ने जीता दोस्तों, यानी मेसी की बात कर लें, रोनाल्डो की बात कर लें और रॉबर्ट लेवेंडोस्की की बात कर लें, इन्होंने दो दो बार खिताब जीता दोस्तों। और लुका मॉड्रिक ने एक बार 18 में ये खिताब जीता था दोस्तों। तो ये पूरा इतिहास है इस अवार्ड का, इसीलिए मैंने बोला कि मेसी ने केवल दो बार ये अवार्ड जीता है, क्योंकि दोस्तों नाम चेंज हो गया ना 16 से, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको जाननी जरूरी है दोस्तों। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें ताकि उस टॉपिक पर हम वीडियोज़ बना दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।